हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीकेपी एकेडमी। टीपू सर का चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आज हम केमिकल रिएक्शंस जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 के लिए, आइए हम देखते हैं कि इसका रिवीजन पार्ट क्या होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 अपने चैनल पे डाल दिया है। हमने वहाँ ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ये एक रीअरेंज ऑफ एटॉम्स होता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन क्या करते हैं, वो दोनों मिलके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो वहाँ पे जो सोडियम एटॉम और क्लोरीन जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वहाँ पे कोई भी एलिमेंट या किसी भी तरह का कंपाउंड अगर रिएक्ट करता है तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वो कंबाइन होते हैं, वो अरेंज होते हैं, रीअरेंज होते हैं। मतलब कोई लेगा तो कोई देगा। तो इफ़ समवन इज़ गेनिंग, समवन विल लूज़। तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिससे क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। तो उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जो एक्चुअली एग्जांपल के साथ हम पढ़ेंगे आगे क्या है। द आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो आपने यहाँ पे देखा, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन अगर मिक्स होते हैं तो सोडियम का जो अपना प्रॉपर्टी है और क्लोरीन की जो अपनी प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, सोडियम क्लोराइड में दिखाई नहीं देगी। उसका एक अपना ही प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। वो सोडियम एटॉम सोडियम ही रहेगा, हम सोडियम क्लोराइड ही बोलेंगे, जो टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो होता है। लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सोडियम और क्लोरीन इंडिविजुअल जो एटॉम्स हैं उसके साथ मैच नहीं करेगा। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गैस, कलर चेंजेस आर द साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि कोई गैस का फॉर्मेशन होना, हाँ, किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्म होना, या फिर कलर चेंज होना। जैसे कि आप आगे पढ़ोगे कि कोई कलर, जैसे कि आप मान के चलो कॉपर सल्फेट है, वो ब्लू कलर का होता है, क्योंकि जहाँ कॉपर आयंस का प्रेजेंस होता है वो ब्लू कलर होता है, वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। कैसे, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो हम कलर चेंज और प्रोडक्शन ऑफ गैस या फिर किसी भी तरह का केमिकल कंपोजिशन का चेंज होना, तो हम बोलेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है। एनर्जी एंड रिएक्शंस, एनर्जी मस्ट बी एडेड, क्योंकि देखो दोस्तों, हमने ये पढ़ा है लोअर क्लासेस में कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड में, गैस में क्या होते हैं, टाइटली लूज एंड वेरी लूज पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पे उन बोन्स को तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, किसी ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जो ज़रूरत चीज़ है वो क्या है, एनर्जी मस्ट बी एडेड, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, चाहे वो सनलाइट के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी और तरीके से हो, इलेक्ट्रिसिटी का पास करना, या फिर किसी एक कैटलिस्ट जो रिएक्शंस को फास्ट बनाता है, एफिशिएंट बनाता है, हाँ, उसका वहाँ पे ऐड करना। तो किसी भी चीज़ का एक हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है, जिससे वो बोन क्या होगा दोस्तों, टूटेगा। और जब बोन टूटेगा तब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, रीअरेंज ऑफ एटॉम्स होगा, तो केमिकल रिएक्शन होगा। एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन बोन्स आर फॉर्म्ड। तो जब भी कोई बोन फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। जैसे कि आप मान के चलो ये पेट्रोल जो है ये जब जलता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, हीट रिलीज़ करता है कि नहीं। गाड़ी का धुआं जो होता है वो काफ़ी एनर्जी रिलीज़ करता है, क्योंकि वो हीट एनर्जी होता है। साथ ही साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। इसलिए क्या होता है, टाउन्स में गाड़ी वगैरह ज़्यादा होने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से हमें गर्मी ज़्यादा लगती है इन कम्पेयर टू द विलेजेस, गाँवों में जैसे कि कम होते हैं। केमिकल एनर्जी इज़ कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। तो जो भी केमिकल, जो भी एनर्जी, जो भी केमिकली जो भी एनर्जी या जो भी रीअरेंज हुआ है या जितने भी एनर्जी लगी हैं वो क्या होती हैं, वहाँ पे कंजर्व्ड होती हैं। क्योंकि हम बोलते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते, हम बस इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जोस वर्सेस एंडो, क्या है इसका मतलब, आपको शायद लोअर क्लासेस में मिला होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड एज द प्रोडक्ट्स फ्रॉम बोन्स देन इज ऑब्जर्व टू ब्रेक द बोन्स। तो हमने जैसे कहा कि बोन्स को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है, लेकिन जितना एनर्जी हम देते हैं उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, बाहर निकलता है, एक प्रोडक्ट के हिसाब से बाहर निकलता है। तो वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर एंडोथर्मिक, इसका उल्टा, ये क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व करेगा। ये देखिए, ये ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस, ये क्या है, हमने पढ़ा कि हम एक केमिकल जब चीज़ों को कभी भी लैब में करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, कि आपने हाइड्रोजन मिलाया ऑक्सीजन के साथ तो पानी फॉर्म हुआ, आपने मैग्नीशियम मिलाया ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, तो उसको तो किसी तरह से लिखना होगा ना। जी हाँ दोस्तों,
जैसे कि मान के चलो आप 1+1 लिखते हो मैथ्स में, 2, तो आप एक प्लस साइन का यूज़ करते हो, आप डिजिट 1 का यूज़ कर रहे हो, आप इक्वल साइन यूज़ कर रहे हो, तो अब इक्वेशन लिखने के लिए या कोई पॉलिनोमियल लिखने के लिए आप एक्स यूज़ करते हो, कांस्टेंट यूज़ करते हो, कोफिशियंट्स होता है, वेरिएबल होता है, ठीक वैसे ही साइंस में भी केमिकल इक्वेशंस लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे अगर ये बोलें कि हाइड्रोजन बर्न्स एंड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म वाटर, तो वी राइट द केमिकल रिएक्शन ऐसे लिखते हैं कि ये जो हुआ ऑक्सीजन जब मिक्स हुआ किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या फॉर्म करता है वो, वाटर। तो उसको किसी तरीके से लिखना तो होगा ना, तो वो सिम्बॉलिकली यूज़ होता है। यहाँ पे H2 और O2 है, देखो आप यहाँ पे ये H2 है ना, और ये O2 है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोस्तों डाई एटॉमिक गैस होते हैं। डाई मतलब टू, दे ऑलवेज रिमेन इन द व्हाट, डाई एटॉमिक फॉर्म, देर आर टू एटॉम्स H N2, ठीक है, ये डाई एटॉमिक गैस होते हैं। तो यहाँ पे देखो आप H2 प्लस O2 इक्वल्स टू क्या हुआ, 2H2O। तो हम यहाँ इक्वल नहीं लिखते, हम यहाँ पे एक एरो मार्क देते हैं। इस एरो मार्क का मतलब आप प्रीवियस स्लाइड में देखोगे, इसका मतलब इट प्रोड्यूसेस, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पानी। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, हाइड्रोजन बर्न्स, मतलब बर्न का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तब रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, ये बनता है पानी, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस मैं एक रिवीजन दे रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑलरेडी ये सब सारा और भी बेटर तरीके से कोशिश करी है, सिंपल तरीके से कोशिश करी है। एन इक्वेशन सोर्स, व्हाट इट डज इट सोर्स, फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंस, है कि नहीं। जैसे कि मान लो हमने वहाँ पे क्या लिखा था, H2+O2, तो वो रिएक्टेंस में ना वो रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो हमें एक इक्वेशन क्या देता है, फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट देता है, फॉर्मूलाज ऑफ प्रोडक्ट देता है, कि मान लो अगर कोई कंपाउंड एक रिएक्ट कर रहा है या कोई एक कंबाइंड फॉर्म में अगर रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH4, जो कि दोस्तों क्या होता है, ये होता है आपका हाइड्रोकार्बन, जो कि जब ये बर्न करेगा तो ये रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और प्लस वाटर प्लस हीट प्लस एनर्जी। तो ये जो तरीका है लिखने का, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉर्मूला ऑफ अ प्रोडक्ट, फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंस, है ना, ये प्रोडक्ट हो गया आपका, सॉरी ये रिएक्टेंट हो गया आपका और ये प्रोडक्ट हो गया। तो इनके फॉर्मूलाज मिलते हैं कि नहीं हमें, इसका नाम मीथेन है, जो आपको आगे कार्बन इन इस कंपाउंड चैप्टर में मिलने वाला है, इसका नाम मीथेन है। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, देखो हमने O2 लिखा है, डायटोमिक, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है जैसे मैंने आपको कहा था, वाटर फॉर्म होता है क्योंकि वो स्टीम फॉर्म में वाटर फॉर्म होता है, हीट प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट व्हाट, द फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंस, प्रोडक्ट्स, मोलर रेशियोज ऑफ ऑल कंपाउंड्स इन द रिएक्शन। तो दोस्तों मोलर रेशियो का मतलब होता है कि मान के चलो आप, जस्ट मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ क्योंकि क्लास 10 में शायद इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, 2H2+O2 ज़रूरत पड़ेगी लेकिन उतना डीप नहीं पड़ेगी, 2H2O। जैसे यहाँ पे क्या है, 2:1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या रेशियो क्या है, 2:1, कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज द रेशियो कि 2:1 विल गिव अस व्हाट, 2। तो ये होता है मोलर रेशियो कि कितने सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट पाएंगे, ये देखो केमिकल इक्वेशंस, हम देखो रीड प्लस साइन, वी रीड द प्लस साइन एज रिएक्ट्स विथ टू व्हाट, यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ प्लस का मतलब, देखा मैंने पढ़ा ना, प्रोड्यूसेस फॉर्म्स, इसका मतलब फॉर्म्स होता है, ये जो एरो मार्क है इसका मतलब फॉर्म्स, जैसे इक्वल साइन होता है ना मैथ्स में वैसा। तो प्लस साइन रिएक्ट्स विथ, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ, ठीक है। ये देखो ये रिएक्टेंस हो गए और ये आपका हो गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट है, जैसे सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, एक्वस जो कि डिजॉल्व हो जाता है पानी में वो होता है AQ। टू शो फिजिकल स्टेट्स ऑफ ईच सब्सटेंस, कंसिडर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Iron 3 oxide। यहाँ Iron 3 का मतलब है फ्रेंड्स कि आयरन की दो वैलेंसी होती है, एक 2 और एक 3। तो यहाँ पे आयरन क्या है, 3 है, मतलब Fe3+, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि कंसिडर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन, देखो आयरन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो दोस्तों डायटोमिक, फिर से 2 है, ये रस्टिंग होता है दोस्तों, ये रस्टिंग का वो है केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि आयरन नहीं होता गेट वगैरह हमारे, तो आयरन रिएक्ट्स विद व्हाट, ऑक्सीजन। मैंने क्या पढ़ा, प्लस की जगह रिएक्ट्स विथ, ध्यान देना, आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, इस कंपाउंड का नाम दोस्तों फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है।
Fe2O3 is ferric oxide, जो कि अनबैलेंस्ड है, और ये आप खुद बैलेंस करोगे क्योंकि मैंने पार्ट 1-2 में ये चीज़ की एक्सप्लेनेशन करी है। फिर मैंने यहाँ पे कोफिशियंस देखा, जैसे कि मैथ्स में होता है ना कोफिशियंट ट्वाइस एक्स, एक्स की कोफिशियंट क्या है फ्रेंड्स 2, वेरी गुड। तो अगर -3x क्या कोफिशियंट है -3 जो कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ पे भी देखो दोस्तों ये 2H2SO4 है ना, ये 2 क्या है कोफिशियंट है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 2 × 4, 2 × 4 है ना, तो 2 × 2 हो गया हाइड्रोजन मतलब 4, फाइन। अगर हम यहाँ पे देखें सल्फर कितनी है 2, 2 × 4 8, ऑक्सीजन कितने हैं 8, क्योंकि 2 × 4 8 ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है 1, तो 2 × 1 = 2, तो काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन मान के चलना ये कोफिशियंट है। तो कोफिशियंट क्या होता है, नंबर्स इन फ्रंट ऑफ द कंपाउंड और द एटम्स, ठीक है। सबस्क्रिप्ट्स स्मॉल नंबर्स दैट हेल्प द डिफाइन द कंपाउंड, दैट हेल्प्स टू डिफाइन द कंपाउंड, ये 4 और 2 जो लिखा हुआ है ये क्या है सबस्क्रिप्ट्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो H2O, इसके आगे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ इसके आगे क्या है 2, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये क्या है H2O2, इसके आगे कोफिशियंट तो 1 ही है मतलब 1 मॉलिक्यूल तो होने वाला है, इसका नाम क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे अगर H2O की आगे अगर आप देखो, इसके आगे देखो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है मान के चलते हैं, तो 1 मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ 2 है तो 2 मॉलिक्यूल्स हो गया, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, जैसे हम x लिखते हैं कुछ नहीं है तो 1, 2x लिखते हैं तो कोफिशियंट क्या होता है 2, माइनस लगा देंगे तो -2, तो ये होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जस्ट एन एग्जांपल कि आप इसको समझ में आए। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटॉम्स रीअरेंज होते हैं, लेकिन वो ना क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही रिएक्टेंट मास होगा प्रोडक्ट का, 10 ग्राम मान के चलो रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट भी 10 ग्राम ही होगा, हो सकता है कंपाउंड नया हो, नाम नया हो, प्रॉपर्टीज नए हो, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है ना इक्वेशन, वो क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास को कंजर्व करके रखना, जितना हमने लिया उतना ही रखना, लेकिन प्रोडक्ट्स नए नए बनाना, ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंस इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि इक्वल क्या, जैसे मैथ्स में हम इक्वल प्रूफ करते हैं मतलब क्या, उसका वैल्यू इक्वल है, एक्स इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2 है, 2 क्या है एक्स है, तो बराबर है दोनों। तो यहाँ पे भी जब हम ये एरो मार्क देते थे वो बराबर होता है, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस, बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब होता है ईच साइड नंबर ऑफ एटॉम सेम होने चाहिए। मान के चलो आप ये जो अनबैलेंस्ड वाला है आप इस पे ध्यान दो, ये जो अनबैलेंस्ड है आप इस पे ध्यान देना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, चलो ठीक है, यहाँ 4 हाइड्रोजन लेकिन यहाँ 2 ही हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है 2, मतलब 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों सबस्क्रिप्ट कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मान के चलेंगे 1, और ये 2 कितने हो गए 3, तो ऑक्सीजन कितना है 3, अब बराबर तो है नहीं, एक तरफ 3 ऑक्सीजन है, एक तरफ 2 ऑक्सीजन है, एक तरफ 4 हाइड्रोजन है, एक तरफ 2 ही हाइड्रोजन है। तो हम कुछ ऐसा सब कोफिशियंट लगाने की कोशिश करेंगे कि वो बैलेंस हो जाए, जो मैंने आपको, मैंने फिर से कहा है कि पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने देखना एक्सप्लेन किया है, पार्ट 3 भी आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैंने रिवाइज किया ताकि आपको समझ में आए और बेटर तरीके से, क्योंकि ये वीडियो क्लास है फिजिकल क्लास नहीं है, तो मैं जितना हो सके कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम सरल से सरल भाषा में आपको समझा सकूँ, मैं ज़रा डीप जाऊँगा तो आप शायद कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 लगा दिया मैंने, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, 2 × 4 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन मतलब 2 × 4 मतलब 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, देखते हैं क्या होता है, 2 × 4 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 × 4 2, और ये देखो 2 आने के बाद ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 कितने हो जाएंगे 4, तो बैलेंस्ड है, मतलब सेम नंबर ऑफ व्हाट एटॉम्स ऑन ईच ऑफ द ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं 20 मिनट्स का ही वीडियो बनाऊँ ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और ज़्यादा आपको टाइम भी ना लगे। तो बैलेंसिंग के लिए जैसे कि देखो यहाँ पे क्या क्या है, राइट द करेक्ट फार्मूलाज फॉर ऑल रिएक्टेंट्स जरूरी है। अगर आप मान लो H2 है और आपने H3 लिख दिया गलती से, मान लो एक कंपाउंड का फार्मूला जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मान के चलो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, अगर आप बाई चांस गलती से या जैसे भी हो अगर CO लिख देते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, एक तो प्रोडक्ट अलग रिएक्शन अलग, ऊपर से फार्मूला गंदा रॉन्ग, तो वो क्या होगा, बैलेंस करने में मुसीबत आ जाएगी। तो इसलिए फार्मूलाज वगैरह आपको अच्छे से जानना जरूरी है। काउंट द नंबर ऑफ एटॉम्स जो हमने काउंट किया था, आप पार्ट 2 देखना पार्ट 3 देखना।
बैलेंस वन एट अ टाइम, आपको एक चीज़ को एक बार बैलेंस करना है, एक टारगेट कर लेना है। मतलब पहले हाइड्रोजन को करें, हाइड्रोजन को करते करते ना आपको ऑक्सीजन के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है समझ में आ जाएगा, या कोई भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट है उसके लिए क्या करना है समझ में आ जाएगा। तो जो अनइक्वल है ना उसको आप टारगेट करो कि हाँ ऑक्सीजन एक तरफ दो है, एक तरफ तीन है, एक तरफ दो है और एक तरफ तीन है, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग, व्हेन बैलेंसिंग इक्वेशंस यू मे चेंज द कोफिशिएंट्स एज मच एज यू नीड टू, बट यू नेवर चेंज सब्सक्रिप्ट्स बिकॉज यू कांट चेंज व्हाट सब्सटेंस आर इन्वॉल्व्ड। मतलब इसका कहना ये है कि मान लो मैंने H2SO4 लिखा है, मान लो मैंने यहाँ 2 दे दिया, बैलेंस नहीं हो रहा, तो मैं इसको 4 की जगह 5 जो जबरदस्ती मिलाने के लिए इसको हटा दिया, 3 लिख दिया, ये नहीं कर सकते आप। जो सब्सक्रिप्ट्स होते हैं ये चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैलेंसी वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट है। वैलेंसी की आपके बारे में आपको पता होगा शायद, जो जो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं या फिर जो रिएक्टिविटी करते हैं या फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं, किसी भी एक एटॉम एलिमेंट या पॉली एटॉमिक या जिस तरह के भी आयंस हों उनकी उनकी किसी के साथ जुड़ने की क्षमता को, कैपेसिटी को, कंबाइनिंग कैपेसिटी को दर्शाता है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स उसको लेना चाहिए या कितना उसको देना है। तो यहाँ पे हम सब्सक्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि H2SO4 हम चेंज नहीं कर सकते। वाटर का जैसे H2O ही है मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए H2 है। अरे सर नहीं कोई बात नहीं है, H3O कर देते हैं सर, H5O कर देते हैं, नहीं वी कांट चेंज। हाँ कोफिशियंट अगर बैलेंस नहीं हो रहा है 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, जो मैंने प्रीवियसली भी मैंने बार बार बताया है कि स्लाइड में दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखो आप, जैसे कि ये अनबैलेंस, देखो ये बैलेंस, यहाँ पे देखो आयरन अकेला है, यहाँ पे कोफिशिएंट 4 लगा दिया। हो सकता है आपकी एक बार में 4 बैठाना ना पड़े, आपको 2 बैठाना पड़े, तो आप वो आप कोफिशिएंट को बदल सकते हो, ठीक है। लेकिन आप जो ये O2 है 2, Fe2O3 है, तो ये यही रहेगा फॉर्मूला सबके लिए, मेरे और तुम्हारे लिए, सबके लिए, वी कांट चेंज द फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ हम देखते हैं, वाटर इज डिकम्पोज्ड ब्रोकन डाउन टू फॉर्म द गैसेस प्रोडक्ट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट द बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या किया गया, पानी को डिकम्पोज किया गया है, मतलब पानी को क्या किया गया, तोड़ दिया गया है सरल भाषा में। तो ये क्या बनेगा इससे, हाइड्रोजन मतलब H2 डायटोमिक और O2, पर बैलेंस तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा 2, यहाँ पे लगा दूंगा 2। मान के चलो कि आपका 2 का दिमाग में नहीं आया, ठीक है, तो आप यहाँ पे शायद 3 लगाते, तो आप इसको चेंज कर सकते हो कि नहीं गलती हो गया, चलो 2 लगाते हैं, ये गलती हो गया, 4 लगाते हैं, यू कैन चेंज, बिकॉज आपको नंबर ऑफ एटॉम सेम करना है। लेकिन आप ये जो सब्सक्रिप्ट्स है ना इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप देखो इसके बाद, देखो ये बैलेंस हो गया, हाँ यहाँ पे क्या है 2H है ना प्लस 10, 2H प्लस 2O। तो यहाँ पे देखो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये जो बॉक्स बन गया है ना दोस्तों, क्रॉस जो करा हुआ है ये बॉक्स, ये एरो साइन है, ठीक है, कुछ मिस्टेक की वजह से ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ये एरो साइन है। तो अब यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, H2O, H2O है और ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो ये क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है ना। आप यहाँ देखो, आप कन्फ्यूज मत होना यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो ये 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसी को वर्ड्स में लिख दिया गया है। तो यहाँ H2O जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, तो आप ध्यान देना कि H2O मतलब 2H है और प्लस 1 ऑक्सीजन है, ये एरो साइन होना चाहिए, ठीक है, ये एरो साइन है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे 2H तो 2H और यहाँ पे बन रहा है 2O, ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन एवर वी ट्राई टू बैलेंस वी एक्चुअली आर शोइंग दैट वॉट एवर इज द मास ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर प्रोडक्ट एंड वॉट एवर द एटॉम्स वर इन्वॉल्व्ड आर सेम। 2H2O ये उल्टा 2H2O H2, तो आप देखो अगर आपने वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दी, डबल कर दी, देखो आपको क्या करना पड़ा, हाइड्रोजन डबल करना पड़ा, ऑक्सीजन डबल करना पड़ा, पहले 1/3 2 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो आपने इसको क्या कर दिया 2 मॉलिक्यूल कर दिया, तो 2 टाइम्स बढ़ गया ना सब कुछ, तो ये 2 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना, ये 2 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे जैसे मैंने प्रीवियस भी किया, 2 2 जा 4 और 2 ऑक्सीजन, ठीक है, ओके। तो हम जितना हो सके स्लाइड में कवर करेंगे। तो सैम्पल प्रॉब्लम 2 क्या है, सैम्पल प्रॉब्लम 2 ये है कि क्लोरीन गैस जो रिएक्ट करता है पोटेशियम के साथ, तो क्या बनाता है, देखो यहाँ पे क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ब्रोमाइड का मतलब ब्रोमीन, KBr, पोटेशियम K, ये आपको पता होगा ये सारे, क्योंकि 9 में आपको मिल चुके हैं।
टू फॉर्म पोटासियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन, देखा KCl और ब्रोमीन Br2, इसकी बैलेंस करनी है आपको। तो वही देखो यहाँ पे दो Cl है, मुझे पता है यहाँ 1K है, 1 Br मतलब ब्रोमीन है। अगर आप अदर साइड देखो, ये बॉक्स का मतलब एरो है, हाँ, तो यहाँ पे KCl 1K, एक ही पोटेशियम है, एक ही क्लोरीन है, दो ब्रोमीन है। अब इसको बैलेंस करना है, देखो कैसे करना है, ये बैलेंस हो जाएगा। देखो अब Cl एंड Br आर नॉट बैलेंस, क्योंकि यहाँ दो Cl, यहाँ एक Cl, यहाँ एक Br, यहाँ दो Br, कहीं ना कहीं एक्सचेंज है। अब देखो ये Cl2 तो Cl2 ही रहा, हमने क्या किया यहाँ पे, इसको दो Cl बनाने के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 को तो हम 2 बना सकते हैं, लेकिन 2 को कैसे 1 बनाएं, बेकार का डिवाइड करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ही रहो, डिवाइड भी करोगे तो गलत नहीं आएगा, लेकिन आप मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ही रहो। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया 2 Cl, तो ये 2 KCl हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया, 2 पोटेशियम, तो देखो 2 पोटेशियम, ब्रोमीन 2, इधर भी ब्रोमीन 2, क्योंकि मैंने क्या किया, पोटेशियम 2 हो गया, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, पोटेशियम यहाँ पे 1 है, पर यहाँ कितना हो गया 2, तो मुझे इमीडिएटली यहाँ पे क्या करना पड़ा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो 1 पोटेशियम की जगह रिएक्टेंट में कितने हो गए, 2, क्योंकि इधर भी 2 होने वाले थे, 2 ब्रोमीन हो गए, ठीक है ना। तो 2 ब्रोमीन अगर हो गए हैं यहाँ पे, देखो आप कि अगर मैंने KBr के आगे 2 लगा दिया या KCl के आगे 2 लगा दिया, तो यहाँ पे हो गया ना 2, है ना, तो 2 Cl हो गए, यहाँ पे भी 2 Cl, देखो यहाँ पे 2K हो गए, यहाँ पे 2 लगा के K कर दिया, 2K, Br2 2, यहाँ पे ऑलरेडी 2 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो Br मान के चलो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने रिवीजन एक बार फिर से कर दिया है, आप हो सके तो जाके ज़रूर देखें इन स्लाइड्स को, ठीक है, आप जितना देखोगे उतना अच्छा है। बैलेंसिंग इक्वेशंस इन्वॉल्व्स अ ग्रेट डील ऑफ ट्रायल एंड एरर, मतलब आप पहले 2 बैठाओगे, आप उसके बाद 3 बैठाओगे, नहीं हो रहा है, आप उसको फिर से 1 बैठाओगे, 5 बैठाओगे, जो भी बैठाओगे आप। तो यहाँ पे ध्यान देना कि पेंसिल से यूज़ करना, ताकि आपकी जो कॉपी है या इक्वेशन है वो एकदम से कचरा ना बन जाए, नहीं तो बैलेंस की जगह कचरा बन जाएगा। तो इसलिए आप प्लीज़ पेंसिल इरेजर यूज़ करें, तो उससे क्या होगा कि आप अगर 2 की जगह 3 बैठाना पड़ रहा है या 3 की जगह 4, तो आपको क्या होगा, इरेज करके बैठा सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक्स कैसे होते हैं, देखो कैसे यहाँ पे होने वाला है। 1 ऑन द प्रोडक्ट साइड आप देख रहे हो देयर आर एन ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द रिएक्टेंट साइड देयर इज एन इवन नंबर, है ना। यहाँ पे देखो ऑड रिएक्टेंट, यहाँ पे राइट साइड में अगर आप देखो तो देयर आर एन ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ 1 और यहाँ 2, 3 हो गए, इधर कितने हैं 2, मतलब एक तरफ इवन है एक तरफ ऑड है। दिस इम्प्लाइज दैट देयर मस्ट बी एन इवन कोफिशियंट इन फ्रंट ऑफ द NaOH, लेट्स स्टार्ट विद 2। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि हमने यहाँ पता कर दिया कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हैं 3 है। तो अगर ऐसा कुछ होता है सिचुएशन, तो हम क्या करेंगे कि हमें ये समझ में आएगा कि ऑन द रिएक्टेंट साइड देयर इज एन इवन नंबर, है ना, 2 हाइड्रोजन। दिस इम्प्लाइज दैट देयर मस्ट बी एन इवन कोफिशियंट इन फ्रंट ऑफ द NaOH, क्योंकि अगर आप यहाँ चाहते हो कि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, तो आप यहाँ पे 2 लगा दोगे तो फिर से 2 2 4 और 5 हो जाएगा, यहाँ आपको 5 लगाना पड़ जाए। तो आप जितना हो सके मिनिमम से स्टार्ट करना, 1 तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, 1 तो सबका दोस्त होता है, आपका मेरा सबका, हर जगह छुपा हुआ होता है। पर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ 2 लगा दूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह 2 लगा दूँ, देन व्हाट विल हैपन, ये देखो, देखा अच्छे से देखो। नाउ लेट्स बैलेंस सोडियम, वी नीड अ 2 इन फ्रंट ऑफ द NaOH। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ, यहाँ 2 क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ 2 लगा दिया, तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है, रेड वाला तुक्का है मेरा, यहाँ 2 और यहाँ 2, सोडियम तो चलो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को पकड़ते हैं, यहाँ 2 और 1 2 हो गए, 2 2 4 हो गए, पर यहाँ कितने हैं, 2 ही हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, तो इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, यहाँ पे हमें कुछ देना ही पड़ेगा ताकि बैलेंस हो। तो यहाँ क्या देंगे, देखो थोड़ी सी ऊपर आ गई है दोस्तों ये स्लाइड, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं 3 देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं 2 तो दे नहीं सकता ना, 2 2 4, 4 2 6 हो जाएगा। चलिए 2 दे के देखते हैं, और भी शायद बेटर हो। तो यही आपको करना है, देखा मैंने इरेज कर दिया, लेकिन आपको पेन से करोगे तो इरेज नहीं कर पाओगे, यहाँ 2 लगा दिया। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो, यहाँ 2 2 4, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6, तो मुझे यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, ताकि 3 2 6, देखते हैं सक्सेसफुल रहा कि नहीं। 3 ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो बैलेंस हो चुका है, यहाँ 2 और यहाँ 2 2 4 दे, 3 2 6, 3 ऑक्सीजन, पर यहाँ तो 2 ऑक्सीजन है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, फिर से बैलेंस नहीं है। चलिए इरेज करते हैं, यहाँ 3 लगाता हूँ, 3 कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। अब मैं यहाँ 6 और यहाँ 2 8, मैं यहाँ 4 लगा देता हूँ, ठीक है।
देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है, हुआ कि यहाँ पे दो क्या रह जाए आपका ऑक्सीजन, नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है सर, आप इतना गलती क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो यही गलती होने वाली है, इसी को ट्रायल एंड एरर बोलते हैं जो मैंने अभी किया। इसलिए हमें थमना नहीं है कि बैलेंस नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो ही जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ टू लगाते हैं तो दो दूनी चार, दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन चार, ठीक है, दो एक और एक ऑक्सीजन दो, यहाँ पे भी देखो दो हो गया बैलेंस। तो यही हीट एंड ट्रायल करना है, मतलब हमें यहाँ कुछ भी नहीं बैठाना है, जैसा का वो तैसा ही रखना है। तो ये ज़रूरी नहीं कि टू और थ्री कुछ आना ही है, शायद ना आए वैसा ही रह जाए। कभी कभी तो जो रिएक्शन हमें मिलता है वो बैलेंस्ड ही होता है, बैलेंस करना ही नहीं पड़ता है। तो समझे आप कि यहाँ पे आपको तुक्का लगाना है, देसी भाषा में बात करें तो हीट एंड ट्रायल मतलब तुक्का लगाना, गैस वर्क करना। तो कहीं टू कहीं थ्री अगर आप लगाते रहते हो तो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप ये देखना कि कोई कोई जो है वो अनबैलेंस कौन सा है। यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोजन अनबैलेंस था, तो हमने हाइड्रोजन को पहले पकड़ लिया। अगर आपको लगता है कि सोडियम, तो आप सोडियम को पहले पकड़ सकते हो। तो जैसे हमने शुरुआत करी थी सोडियम के साथ, आप शुरुआत कर सकते हो हाइड्रोजन के साथ। बस फोकस ये रखना है कि कुछ ना कुछ ऐसा नंबर बैठाना है कि वो बैलेंस कर ही जाए आखिरकार, ठीक है। ये देखो ये फाइनली आया, चेक टू सी इफ इट बैलेंसेस, टू सोडियम ऑन द लेफ्ट, टू सोडियम ऑन द राइट, ठीक है। बाकी नीचे आ रहे हैं दोस्तों, तो दो दूनी चार, टू हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट एंड व्हाट, टू एंड टू टू, टू प्लस टू फोर, फोर हाइड्रोजन, तो फोर फोर हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट एंड राइट, टू ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट, टू ऑक्सीजन ऑन द राइट, दिस इज व्हाट द रिएक्शन इज, ओके। एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ। ये देखो ठीक है, ये रोमार्क फाइन, ओके, चलो थैंक यू। यहाँ एग्जांपल्स बहुत मिलेंगे, आप इसको बैलेंस करना। मैंने सारा बैलेंसिंग उस स्लाइड में दिखा रखा है, जो रेशियो देखो यहाँ पे, यहाँ अल्टीमेट रेशियो क्या हुआ, 3:2 और 3:2 हुआ। कॉपर क्लोराइड है ये, सॉल्ट है, प्लस एल्युमिनियम, क्या बनेगा आपका, कॉपर बनेगा और एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। बैलेंस करना है तो यहाँ 3 लगाना पड़ा, 3 कॉपर हो गए, यहाँ 3 कॉपर, 3 दूनी 6 क्लोरीन, यहाँ पे 2 3 6 क्लोरीन, यहाँ पे देखो आप 2 एल्युमिनियम, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम, ठीक है। आप पोज करके भी देख सकते हो। प्रोपेन आपको बाद में मिलेगा कि ये प्रोपेन एक्चुअली क्या है, जो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का जो होता है, जैसे एनर्जी रिलीज होती है पेट्रोल डीजल वगैरह, क्या है हाइड्रोजन कार्बन है। तो वहाँ से क्या होता है कि आपका ये जो बर्न होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जैसे आपको पहले ही कहा बैलेंस करते हैं, बैलेंस सी देन एच देन ओ। तो इन्होंने मैंने एडवाइस किया कि आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले सी को बैलेंस करोगे। जैसे हम चलो करते हैं, ये हम लास्ट रिएक्शन लेंगे इस स्लाइड्स के लिए, अभी के वीडियो के लिए। तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है। चलिए यहाँ 3 लगा के देखते हैं, ये एरो मार्क है जी दोस्तों, हाँ बॉक्स, 3 कार्बन 3 कार्बन। अब ऑक्सीजन देखते हैं कितना हो गया, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 6 और 1 7, यहाँ पे तो 2 है, तो ऑड इवन 1 है, तो मान के चलो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। क्यों, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, मैं यहाँ 4 लगा दूंगा तो इसको आराम से 8 कर सकता हूँ। आप देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस्ड है कि नहीं, सॉरी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखो 8 हाइड्रोजन है, पर यहाँ पे 2 दूनी 4 ही हुए, मतलब ये तुक्का हमारा काम नहीं आया, ये हिट और ये ट्राई जो हमने किया ये हमें सक्सेसफुल नहीं रहा। अब हम अगर देखते हैं, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पहले कार्बन को बैलेंस करने बोला था, अब हम पहले हाइड्रोजन को करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 4 दे दूँ, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 8 हाइड्रोजन, इधर भी 8 हाइड्रोजन, ठीक है 8 हाइड्रोजन, ये बैलेंस हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ, जबकि मैंने 4 लगा दिया है तो 4 ऑक्सीजन और यहाँ 2 6 हो गए, तो यहाँ 3 लगा देता हूँ, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, देखो यहाँ पे, और सॉरी हाँ 4 और 2, ये 2 और 4 कितने हो गए, 6, मैंने यहाँ 3 लगा दिया, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अब हम देते हैं कार्बन, कार्बन तो यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है, तो मैं अब यहाँ पे अगर 3 लगा दूँ तो देखो फिर से हाइड्रोजन बदल गया ना। अब हाइड्रोजन कितना है, देखो 3 दूनी 6 और यहाँ 6 और 4 10, तो एक काम करते हैं यहाँ 5 लगा देते हैं। तो अब फाइनली यहाँ पे क्या लगाया, 5, यहाँ पे क्या लगाया, 2, यहाँ पे क्या लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 8, यहाँ पे भी 2 दूनी 4, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे चीज़ देखो, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो मैंने वही लिखा 3, यहाँ 5 लिखा था मैंने, ठीक है, यहाँ मैंने 3 लिखा था, यहाँ मैंने 4 लिखा था, तो आप प्रीवियस स्लाइड्स में जाके देख सकते हो मैंने यहाँ पे कैसे किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ज़रूरी नहीं कार्बन ही टारगेट करना है, आप हाइड्रोजन को भी टारगेट कर सकते हो कि ये 8 है, इसको 8 बना देते हैं। चलो 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 डालना।
फ्रेंड्स, वो 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग की वजह से वो कट गया था, तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखोगे तो इसके आगे की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी आपको. ओके, थैंक यू.